दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से ही मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हैप्पी दशहरा सब व्यूवर्स को, मेरे जितने भी मुझे सब्सक्राइबर के अभी तक किसने किया ने, उनको भी हैप्पी दशहरा। अभी आज हम बनाने जा रहे डबल कटोरी ब्लाउज। अभी डबल कटोरी, बॉम्बे कटोरी एंड टुकड़ा कटोरी, ये एक ही ब्लाउज है, खाली नाम उसका अलग अलग दिया गया है। जैसे कि कोलकाता में ज्यादा से पहना जाता है ये ब्लाउज, उसको डबल कटोरी बोलते हैं और टुकड़ा कटोरी बोलते हैं और बॉम्बे कटोरी भी बोलते हैं। ओके, चलो हमें अभी शॉर्ट कट में हम इसे कटिंग करते हैं और इसके भी आपको ट्रिक्स बताने वालू। बॉम्बे कटोरी, टुकड़ा कटोरी कैसे रखी जाती है कपड़े पे, जैसे कि बहुत सारे जो की बहुत गलतियां होती है, मुझे ग्रुप में भी आया था, कॉल भी आया था और जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बताया गया था कि बाबा कैसे रखे, क्या रखे। उन्होंने रखा था ब्लाउज थोड़ा 19-20 हो गया, उनकी मतलब उनकी कटिंग से मेरे को बताए थे, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा टिप्स है और अच्छी है, आपने देखना है। चलो बातें बहुत हो गई है, अभी हम काम की बातें कर लेते। जैसे कि मैंने ये 36 का लिया हुआ है दोस्तों, मैंने अभी ये ब्लाउज ले लिया है। अभी आपको कभी प्रॉब्लम आया होगा यार मुझे सिलना है, तो मैं अभी कटिंग का बता देती हूँ। खाली आपको कभी कुछ करना हो, ब्लाउज किसी कस्टमर का सिल रहे हो, तो खाली आपने क्या ध्यान देना है, खाली चेस यानी यहां से जहां हमारी सिलाई स्टार्ट होती है, यहां से लेके टेप रखना है, यहां से लेके यहाँ कितना हुआ 18 × 18 × 36 यानी 36 साइज का एक ब्लाउज हम सिलने वाले, सॉरी कटिंग करने वाले। और ये है 14, ओके 14 × 28 यानी के 28 दुगना हो गया ना। तो अभी हम इतना लेना है, ये नाप लेना है, ये नाप लेना है और हाथों की लेंथ लेनी है, बस 1, 2, 3 इतनी ही नाप हमें लेनी है गीता लेडीज टेलर की कटिंग को। ओके, बाकी कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं। अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेंगे, अभी हम 36 की कटिंग बता दे रहे हैं आपको दोस्तों। ये अस्तर लिया हुआ है मैंने, अस्तर को बता देती हूँ। अभी हमने अस्तर ले लिया है दोस्तों, देखो अस्तर वाला है ये, अभी हमने इसे रख दे। अभी हम लगाने का तरीका बताएंगे कैसे कटिंग रखी जाती है पेपर कटिंग दोस्तों। जैसे कि आपके पास पहले ही पेपर कटिंग होगी शायद और रखने की प्रॉब्लम होगी, जब हम लोग रखते हैं ना तो बराबर होता है। पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दे देंगे, एक्स्ट्रा निकल जाएगा। आपको रखने का तरीका बता देंगे हम, ये बंद घड़ी में आना चाहिए दोस्तों, बंद घड़ी। ओके, और ये खुली बाजू यहां से जाना चाहिए और बंद घड़ी अपने पास होनी चाहिए। जो सीख रहे नए क्लास लगाते होंगे, प्लीज उन्होंने भी देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता देती हूँ मैं। इससे क्या होगा, आपको ब्लाउज सिलने में दिक्कत होगी नहीं और फिटिंग में भी प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो एकदम स्ट्रेट मैंने लगा दिया हुआ है, जैसे कि वैसे ही अभी हम जैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। ये 36 साइज का ब्लाउज की हम कटिंग कर रहे हैं शॉर्ट कट में। ओके, अब इसको साइड रखेंगे। अभी हम ये बाजू रख देंगे, हमें कपड़ा बचाना है इसलिए यहाँ पर हमारा क्रॉस पट्टिया कुछ आ जाएगा। आपने देख लिया हुआ है, अभी ये बाजू हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, ये वाली नहीं तो क्या करना है, ऐसे ही रख देना है, जो हमारा क्रॉस होता है ना ये ऐसा लगाना है। ओके, ऐसा भी लगा सकते हो और आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा ये स्ट्रेट आना चाहिए, बता दे रहे हम आपको। Okay, ये हमारा स्ट्रेट आ गया हुआ है। अब यहां नहीं तो आपको लगा
कि बाबा कपड़ा मेरा कम है तो अब सेटिंग करना है। यहाँ पे मैंने क्रॉस है ना अपना, बता देती हूँ मैं आपको, पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कपड़ा ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है, इससे हमारी कटोरी क्या होती है, फ्लैट नहीं होती है, दबती भी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, बहुत हम ब्लाउज सिल लेते तो यहाँ से हमारा पूरा यहाँ से फुगा हो जाता है, यहाँ से मतलब फ्लैट होता है, बहुत विचित्र दिखता है, मतलब वो अलग ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी हमने यहाँ ऐसी कटोरी लेनी है या सॉरी ऐसा कपड़ा लेना है और नहीं तो फिर ऐसा लेना है, जहाँ हमारा बैठता है वैसे लेना है। ओके, आपने देखना है, नहीं तो क्या करना, पहले खींच के देखना क्या हमारा बैठ रहा है या यहाँ बैठ रहा है, ऐसे हमने कपड़ा बिठाना है दोस्तों। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स ना बहुत महत्वपूर्ण की होती है। अभी यहाँ पर हम ये खाली स्ट्रेट होना चाहिए, ये वाला जो दिख रहा है ये स्ट्रेट, यहाँ पे हमने स्ट्रेट पे बिठा दे, इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा बचा के रखा था, यहाँ वहां पर हमारे क्रॉस पट्टी आ जाएगी। निशानी कर लेनी हमें, इससे हमें मालूम पड़ता है हमारा टक्स पॉइंट कहाँ आता है। ओके, देखा, अभी थोड़ा कपड़ा हम घुमा लेंगे। अभी यहाँ पर हमारी क्रॉस पट्टी यानी कि योग पट्टी बोलते हैं हम, इसको ऐसे रखेंगे। कितनी आसान तरीका है ना कटिंग का, आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी यानी कि डायग्राम जो देखना होगा दोस्तों, तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है दोस्तों, वहां से अभी कटिंग इसकी सीख सकते हो। अभी यहाँ पर हमें कितना लेना है, हाथों की स्लीव 4.5 है तो हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएंगे यानी कि होगा 5.5। ओके, हमें छोटी स्लीव चाहिए, हमें इसी फोल्ड कर लूंगी। अभी यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, ओके तो कभी क्या करना, कभी यहाँ पर आप बिठा सकते हो और कटोरी को यहाँ भी ले सकते हो, ये कटोरी यहाँ भी ले सकते हो, आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ मैं दोस्तों। कभी आपका यहाँ पे नहीं बैठा, जैसे कि मेरा यहाँ पे देखो कम हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, मैं वहां सिलाई पे एडजस्ट कर लूंगी, कि किसी को वो ज्यादा ही लग रहा है यार मुझे तो नहीं जम रहा है, मैं क्या करूं, तो आपने क्या करना है, इस कटोरी को यहाँ बिठा देना है और ये यहाँ पर ले लेना है। ओके, इस कटोरी को यहाँ बिठा देना है, जिसकी मैं आपको बता दे रही हूँ अभी, समझा, सपोज हमने यहाँ पे इसको बिठा दिया हुआ है, ओके अभी कटोरी हमारी यहाँ बैठ गई है ना, आप ऐसे भी बिठा सकते हो, इतना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, कोई बात नहीं मैं कटिंग कर लूंगी, आपको बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। से कपड़ा हमारा कहाँ एडजस्ट होता है वो हमने देखना है। अभी हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं, ओके सब ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। पर हमने पूरी कटिंग कर ली है दोस्तों, ये अस्तर वाला है, अभी ये मेन फैब्रिक हम लेंगे। ओके, ये सीधा है ये उल्टा है, हमने उल्टे से रखना है दोस्तों, सीधे से नहीं रखना है, जाके हम जब सिलेंगे तो हमारा बराबर सब पार्ट अच्छी तरह से आएगा, जब आप सीधे से कटिंग करोगे तो पार्ट अच्छा आएगा नहीं। अब ये लाइन हमारी सीधी
तो हमें सीधी लेनी, कभी आपको आड़ी लेनी हो तो आड़ी भी ले सकते हो, तो हमें सीधी ले लेंगे हम। ओके, अभी हम बता दे रहे कैसे रखना है ये बन साइड, जैसे कि हमने अस्तर में कैसे रखा था बन साइड, वैसे बन साइड यहां पे रखना है। यहाँ पे हमने कैसे रख दिया है, ये यहाँ पे ऐसे रखना है, सीधे कपड़े पे रखना है दोस्तों, ऐसा नहीं। अभी ये हमने सीधा ऐसा रखा तो ये हमने ऐसा रखना है, क्योंकि ये लाइन ऐसे सीधी होती है, आड़ी होती है। अभी हमको सीधे में सीधे ही रखना है, आड़ा टेढ़ा कुछ करना है ही नहीं। ओके, अभी इसको भी हम सीधे ही रखेंगे। मैं यहाँ पे बॉर्डर पट्टी के हम डिजाइन बनाएंगे, पैटर्न बनाने वाले हैं दोस्तों। ये मैं यहां बिठा देंगे हम अभी, ये यहां, इसको उल्टा कर दिएगे थोड़ा, यानी जो कपड़ा है हमारा इसे नहीं बैठेगा तो हम ऐसे कर देते। ओके, ये भी सीधा ही आना चाहिए और यहाँ पे इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। आपने देखा है दोस्तों ये कैसे मैंने बिठा दिया हुआ है, हमने ऐसे ही बिठाना है। ओके, ये पार्ट यहाँ रखना है, क्रॉस पट्टी यहाँ रखने है। कभी आपको लगा मुझे ये बॉर्डर यहाँ चाहिए तो आप प्लीज इसको यहां भी लगा सकते हो, ऑप्शन दे रही हूं मैं। ये इसको यहां एडजस्ट कर लेना है और इसको यहां डाल देना है, इसको यहां डाल देना है और ये यहां पे बैठ जाता है और ये यहां आ जाता है, तो कोई बात नहीं, हमें बीच में ले लेंगे इसको और इसको यहां बिठा देंगे। ये इसकी हमारी यहाँ पर बॉर्डर पट्टी हो जाएगी, पर मुझे थोड़ा पैटर्न बनाना है ना, तो मुझे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा अभी पैटर्न बनाने। यार बॉर्डर पट्टी यहाँ जाए तो पैटर्न में किसका बना, तो मुझे ये निकाल देना है, इसको यहां से इसको मैं यहां बिठा दूंगी एकदम, और इसको यहां बिठा दूंगी और मेरी बॉर्डर पट्टी भी पूरी मुझे मिल जाएगी और मेरा पैटर्न भी ब्लाउज में अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, आपको बता देती हूँ। ओके, पूरी कटिंग रख लिए, अभी हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों। थोड़ा ज्यादा ही काटना है, कट्टो कट नहीं काटना है, थोड़ा पाव इंच ज्यादा ही काटना है, इससे क्या होती है कम हमें फेविकोल से चिपकाने में आसान हो जाता है। अभी यहाँ पर हमने पूरी कटिंग कर ली है दोस्तों, देखा आपने। ओके, फिर हम इसको फेविकोल से चिपका लेंगे। आपको उसका वीडियो देखना है, फेविकोल का मैंने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, वहाँ से आपने देख लेना है फेविकोल से कैसे चिपकाते हैं। अभी हम टक्स पॉइंट ले लेते हैं, मैंने ये लिया नहीं था, मैंने पेपर में बताया है टक्स पॉइंट, तो भी मैंने यहाँ पर आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे चार और ये साढ़े चार का टक्स पॉइंट है हमारा। ओके, यहाँ को ऐसे करेंगे, अभी तीरा हमारा दो का है, गला बड़ा है इसीलिए, और साढ़े तीन का गला हम लोग चार ले लेंगे। यहाँ पर मैं तीन ले लूंगी, यहां से सारा स्ट्रेट लाइन कर दूंगी। ओके, राउंड मतलब स्क्वायर में ही हल्का राउंड कर लेंगे हम, यहां पे हम काट लेंगे। अब
में इसको खोलेंगे, फिर हम फेविकोल से इसको चिपका देंगे। फिर इसका वीडियो आप लोगों ने देखना है तो मैंने पहले ही बहुत पहले वीडियो मैंने बताया है फेविकोल से कपड़ा कैसे चिपकाया जाता है, आपने वहाँ पे देख लेना है दोस्तों। ऐसे हमने करना है, ओके। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।